राज्य कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आंदोलन के लिए आमादा कर्मचारी और शिक्षक अपने रुख पर अड़े हैं। बांदा में आज शिक्षकों और कर्मचारियों ने बाइक जुलूस निकालकर पूरे शहर में प्रदर्शन किया और पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन का बिगुल बजा दिया। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर शिक्षक संगठन समेत तमाम राज्य कर्मचारी संगठन ने एकजुट होकर हड़ताल पर जाने का फैसला किया। 3 दिन तक पूरी तरह स्कूलों और कार्यालयों अनुपस्थिति रहने की घोषणा की। इस कड़ी में बांदा में भी पेंशन बहाली मंच के नेतृत्व में आज तकरीबन 2000 सरकारी शिक्षक और कर्मचारियों ने बाइक जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। विकास भवन से जुलूस निकाल आंदोलनकारी कर्मियों ने पूरे शहर में घूमकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए और पेंशन बहाली की मांग की। इन कर्मचारियों का कहना है कि हर कीमत में पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे और इसके बिना कोई समझौता नहीं होगा। जब विधायक मंत्री को पुरानी पेंशन मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती, हमें भी मिलनी चाहिए। कहा कि जब कई बार सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर चुके हैं पर सरकार के कान तक हमारी यह बात नहीं जा रही। आज हमने प्रदेश के आह्वान पर साइकिल जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया है। जब तक सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक हमारा आंदोलन व प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा।